हेलो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये मेरा गुड़हल का पौधा है जिसमें मिली बग लग चुके हैं। इन मिली बग को आसानी से कैसे साफ करें और अपने पौधे को सुरक्षित कैसे करें, आज हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाएंगे अगर हमने इसे अभी नहीं ख़त्म किया तो। तो आज मैं आपको घरेलू उपाय, अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप उसका स्प्रे करें, नहीं तो फिर आपको घरेलू उपचार बता रही हूँ जिसमें बहुत ही कम खर्च में आपका पौधा सुरक्षित हो जाएगा। और इस गुड़हल की कटिंग को मैंने जो तैयार किया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और कैसे गुड़हल का पौधा तैयार करें कटिंग के थ्रू, वो आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, ये देखिए इस तरीके से अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये पूरी तरीके हमारे पौधे को ख़राब कर देगा। तो इसके लिए हमें अपने घर, अपने किचनी से बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे हम इनको आसानी से साफ कर सकते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आप एक तो इस बात का ध्यान रखें कि जब ऐसे आपके किसी भी पौधे में मिली बग लगें तो उसको अपने पौधे से अलग कर दें, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से बाकी पौधों में स्प्रेड हो जाएगा। अब ये देखिए, ये फिटकरी है, ये 2 रुपए की फिटकरी आप ले आएँ और ये कई बार यूज़ हो सकेगी। एक बार आप लाएंगे, ये आपको आसानी से पंसारी की दुकान में या जनरल स्टोर में मिल जाएगी। ये है बेकिंग सोडा, ये 2 ग्राम की मात्रा में है दोस्तों, ये आसानी से आपके किचन में उपलब्ध हो जाएगा। नहीं है तो ये भी बहुत आसानी से आपको जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। और ये है लिक्विड सोप, लिक्विड सोप अगर आपके पास ना हो तो डिटर्जेंट पाउडर 2 ग्राम की मात्रा में आप लें और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 लीटर हम पानी लेंगे और 1 ग्लास में हम फिटकरी को डाल देंगे। ये देखिए, ये जो हमारा पानी है इसमें हम फिटकरी को डाल देंगे। ये देखिए, अब इसे हम थोड़ा सा कुछ देर के लिए रख देंगे या फिर हम इसको चम्मच से हिला देंगे तो ये पानी आप देखेंगे, देखिए डाइल्यूट होने लगी, डालते ही फिटकरी डाइल्यूट होने लगती है और ये पानी कुछ ही देर में सफ़ेद सा हो जाएगा। जब ये पानी हमारा सफ़ेद सा दिखने लगेगा, इसको 1 मिनट के लिए डाल के रखें इसी तरीके। और इससे दोस्तों आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, आप इसे सभी पौधों पे इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं मिली बग के लिए। अब देखिए, ये पानी हमारा सफ़ेद हो गया है बिल्कुल और फिटकरी हमारी डाइल्यूट हो गई है, लेकिन हमारी पूरी फिटकरी डाइल्यूट नहीं करनी है, हम इसको निकाल लेंगे। आधे सेकंड के लिए बस मैंने इसको रखा है, अब ये आप फिर दोबारा यूज़ कर सकेंगे फिटकरी। केवल 2 रुपये में आप इस नुस्खे को तैयार कर सकते, 2 रुपये से भी कम, क्योंकि आप इसे बार बार यूज़ कर सकेंगे। तो आप देखिए, अब हम इसे 1 लीटर पानी में इसको मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने मग में, 1 लीटर का ये मग है और इसमें मैंने ये पानी मिक्स कर दिया। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, वही 2 ग्राम मात्रा का, ध्यान रखिएगा सारी मात्रा, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, मिली बग चिपचिपी सी होती हैं तो इनको ये जो लिक्विड सोप और इसका मिक्सचर है फिटकरी का, एंटीबायोटिक और हमारा बेकिंग सोडा, ये पूरी तरीके साफ़ कर देता है। हमने ये 1 चम्मच करीब ले लेना और हम इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे, अच्छे से घुमा घुमा के, और चम्मच में भी लगा रह जाता है तो आप हाथ की सहायता से चम्मच से इसको छुड़ा लें, इसको अच्छे से हिला लें ताकि नीचे भी जो सोप बैठ गया हो तो वो मिक्स हो जाए अच्छे से। तो अब मैं इसको इस पे अप्लाई करूँगी दोस्तों। अप्लाई करने का है कि जहाँ पे नाली हो या ड्रेनेज हो आपका, वहाँ इसको गमले को रखें और इसको हमें सीधा सीधा नहीं, तिरछा कर देना, ताकि जो लिक्विड सोप और इसका मिक्सचर है फिटकरी का वो हमारी मिट्टी में ना जाए और हम आराम से अपने पौधे की पत्तियों को और स्टेम को अच्छे से हल्के हाथों से धुल लेंगे। ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं लगाना, हमारी पत्तियाँ टूट जाएंगी नहीं तो, और चोट लग जाएगी पौधे को, तो हम हल्के हाथों से इसको साफ़ कर लेंगे। अगर आप के पास स्प्रे बॉटल है, मेरे पास है, कई लोगों के पास नहीं होती, तो मैं ये तरीका आपको दिखाई दे रही हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।
और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल करके इसको पूरे में स्प्रेड कर दें और एक दिन के लिए छोड़ दें। इस तरीके से देखिए मैं सारी पत्तियों को, सारे स्टेम्स को नीचे से पूरा क्लीन कर दूंगी इस तरीके। और ये एक लीटर हमारा पूरा काफ़ी काम आ जाएगा, उसमें भी काफ़ी बच भी जाएगा आपका। ये देखिए इस तरीके दोस्तों, ये एक तरीका बहुत ही अच्छा है। केवल आप इतना देखिए, सोप मेरा बच भी गया है। अब आप इसको ऐसी जगह रख दें जहाँ थोड़ी सी धूप आती हो, हल्की एक घंटे की धूप इसको लग जाए। अब देखिए आप कहीं पे भी आपको इसमें मिली बग नहीं दिखेगा दोस्तों। तो इन चीज़ों का आप यूज़ करके अपने पौधे को सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको आपको करीबन तीन बार ये 3 दिन करना है, इसके बाद आपका पौधा बिल्कुल सेफ हो जाएगा, कोई इसमें मिली बग नहीं रह जाएगा। हमें जब भी हमारे पौधे में मिली बग दिखे तो हमें तुरंत इस सॉल्यूशन को बना के या तो स्प्रे कर दे, या फिर इस तरीके से जिनके पास स्प्रे बॉटल नहीं है वो इस तरीके से धुलाई कर दें। ये 3 बार आप करेंगे, पूरी तरीके मिली बग का सफाया हो जाएगा। अब आप ये देखिए कितनी चमकीली पत्तियां हैं और एक भी मिली बग इसमें नहीं लगा। वैसे तो फर्स्ट ही वॉश से हो जाता है, लेकिन मैं प्रिकॉशनली 3 वॉश आपको बता रही हूँ। तो आप 3 वॉश कर लें तो और अच्छा रहेगा आपका। और जब भी आपके किसी भी पौधे में लगे मिली बग, एक तो ऑब्ज़र्व करें, हर रोज़ आप अपने पौधे को ऑब्ज़र्व करें। और ये ध्यान रखिए कि अगर आपके किसी भी पौधे में मिली बग का खतरा है तो उसको दूर कर दें और ये सॉल्यूशन को अप्लाई करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।